श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के लिए कांग्रेस के 5 विधायकों का विधानसभा चुनाव में टिकट काटेगा। इनके बदले पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसी क्रम में आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और अन्य पहलुओं पर MVA की बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज यानी कि 7 अगस्त को नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में होगी। आपको बता दें कि बैठक दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। बीते दिनों विद्यालय शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने राज्य के सभी स्कूलों को 7 अगस्त यानी कि आज बंद करने का ऐलान किया था। बता दें कि हरियाली तीज के चलते हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। साउथ के मास महाराजा रवि तेजा इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म मिस्टर बच्चन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी। दर्शक बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। हरियाली तीज 7 अगस्त यानी कि आज मनाई जाएगी। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं इसका समापन आज रात 10:05 पर होगा। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज यानी कि 7 अगस्त को खेला जाएगा। ये मैच प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में दोपहर 2:30 से खेला जाएगा। पहले 2 मैच में बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन से आहत भारतीय क्रिकेट टीम के पास सीरीज बचाने का यह आखिरी मौका है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2424 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी कि 7 अगस्त से शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। टाटा मोटर्स की ओर से देश की पहली कूपे SUV टाटा CUVV के इलेक्ट्रिक वर्जन को आज लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी की ओर से इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। कंपनी पहले इस SUV के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करेगी और कुछ समय बाद इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन को भी बाजार में लॉन्च किया जाएगा। वीवो V40 सीरीज के तहत वीवो V40 और वीवो V40 प्रो को आज लॉन्च किया जाएगा। फोन में 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। आपको बता दें कि फोन की कीमत करीब 30,000 से 40,000 रुपए तक की होगी। IMD के अनुसार आज पूर्वी और पश्चिमी UP में लगभग सभी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं पर बारिश के साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1753 में ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन सन 1904 में भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1941 में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय लेखक रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1957 में अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। आज ही के दिन सन 1990 में अमेरिका ने सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।